Student, today we'll continue with the rest of the part of this chapter, importance of family. So before continuing, I have to tell you once again the gist of this chapter, that is, it's about family and its importance. Here the pictures that day we discussed, family system, so family system also discussed that day, the mutual affection, love, etc. And family tradition, there are some traditions are there, like for particular cultural people like Sikhs, Gurudwara and Langar etc. It's given here, care and appreciation, so caring for the elders, and the elder also care the juniors, and the appreciation of their work. Now family likes and dislikes, so today we'll discuss family likes and dislikes. In each family, the members have their own likes and dislikes. It may be a special dish, color, dress, music or television channel. The members also have preference as far household chores are concerned. So household works are concerned. हर एक फैमिली में लाइक कुछ फैमिली मेंबर्स का लाइक्स डिसलाइक होता है, हर एक चीज़ को तो पसंद नहीं करता हर एक आदमी, तो मेंबर्स आल्सो हैव प्रेफरेंस, सबका प्रेफरेंस होता है एज फॉर हाउस होल्ड कोर्स अ कंसर्न. हाउस होल्ड कोर्स मीन्स वर्क्स. सो दे मे और मे नॉट लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, बाइंग ग्रोसरीज, पेइंग बिल्स और वाटरिंग प्लांट्स. सम ऑफ द फैमिली मेंबर्स डू नॉट लाइक, बट स्टिल दे हैव टू डू because these are very necessary things. So hence it is important to share the responsibilities. हम पसंद नहीं करते फिर भी हमें करना पड़ता है for the sake of family. Family support. What happens when a family member faces a problem? Do we stand by him? देखो family support क्या है कि जब एक family member किसी का problem हो गया, बुखार हो गया आपका, तो आपको मम्मी के आपको छोड़ कर भाग जाते हैं, नहीं भागते ना, तो सब लोग अपने आप खुद में ज़्यादा कॉन्सिडर नहीं करते उस टाइम. सब फैमिली मेंबर्स, जब एक मेंबर का तबीयत ख़राब होता है तो सब लोग उसके ऊपर कंसर्न होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, सेवा करते हैं. तो ऑल फैमिलीज गिव सपोर्ट इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, इट हेल्प्स द सफरर टू ओवरकम द डिफिकल्टीज. तो हियर वन एग्जांपल इज गिवन, हियर एग्जांपल दिया गया है, सोनियाज मदर मेट विद एन एक्सीडेंट, शी वॉज टेकन टू ए हॉस्पिटल. So what happened to Sonia's mother? She met with an accident. She was taken to where? She was taken to hospital and immediately put on oxygen. So immediately वहाँ जाने के बाद उसको ऑक्सीजन दिया गया. She had lost a lot of blood. The doctors instructed the family to arrange for 3 units of blood to save her life. तो उसको ब्लड चाहिए था उनका जीवन बचाने के लिए. सोनियाज कजिन रेडिली डोनेटेड ब्लड. हर आंट लुक्ड आफ्टर देयर होम एंड हर अंकल स्टेड इन द हॉस्पिटल टू हेल्प हर फादर. द फैमिली सपोर्ट एंड केयर हेल्प सोनियाज मदर टू रिकवर क्विकली. देखो तो कौन कौन हेल्प किया, उसका कजिन, उसके आंट, उसका अंकल, तो ये सब फैमिली मेम्बर जो हैं अपने इमरजेंसी के टाइम में काम आते हैं और हेल्प हमेशा करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड फैमिली सपोर्ट. वट एवर सपोर्ट इज नीडेड इन केस एन एल्डरली मेम्बर ऑफ फैमिली इज इल, अगर कोई बुजुर्ग का तबीयत खराब हो जाता है सडनली, तो क्या सपोर्ट चाहिए उनको? उनका देखभाल करना चाहिए, डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए. होम वुड यू टेलीफोन कॉल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी एट होम, घर में अगर कोई ज़रूरत है, इमरजेंसी हो, तो आप किसको कॉल करोगे? पापा को कॉल करोगे. यू वुड कॉल योर फादर और एल्डर्स. नाउ पार्टिसिपेशन इन फैमिली एक्टिविटीज, फैमिली एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं? देखो फैमिली एक्टिविटीज मतलब कि शादी और भी कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं घर में, तो ऑल फैमिली मेम्बर्स पार्टिसिपेट इन फैमिली एक्टिविटीज लाइक कुकिंग, ईटिंग, राइटिंग पोएट्री और सिंगिंग. ये तो है, लेकिन मैं जो बोला कि फैमिली इवेंट है उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो कुकिंग में हमेशा अपने आपके मम्मी बनाएगी खाना और आप खाओगे तो ये नहीं हो सकता, आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, नहीं तो उनको खराब लगता है. कुकिंग, ईटिंग,
एंड राइटिंग पोएट्री और सिंगिंग ये सब भी होना चाहिए. एंड यू शुड राइट पोएट्री वेरी वेल एंड सिंग वेरी वेल, देन यू योर फैमिली मेम्बर्स वुड बी प्राउड ऑफ यू, दे वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू. सो सम ऑफ देम आर गुड एट वन एक्टिविटी वाइल द अदर्स आर एक्सीलेंट एट अनदर. फैमिली नर्चर्स द स्पेशल टैलेंट ऑफ द मेम्बर्स. नर्चर्स मीन्स यार पालना, टू ग्रो, टू लुक, टू लुक आफ्टर. सो द एनकरेजमेंट हेल्प्स द मेम्बर्स मेम्बर्स टू एक्सेल. तो वही एनकरेजमेंट जो मिलेगा तो उसी से उसी के साथ मेम्बर्स जिसके जिसमें टैलेंट है वो एक्सेल करेगा, वो आगे बढ़ेगा. सो वन एग्जाम्पल गिवन हियर, आदित्य वाज अ साई चाइल्ड. आदित्य बहुत साई चाइल्ड है. हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स एनकरेज्ड हिम बट ही वाज स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन स्टेज. तो उसके पेरेंट्स टीचर एनकरेज करते हैं बट ही वाज वेरी टू साई टू गो ऑन स्टेज. सो हिज क्लास टीचर मेड हिम पार्टिसिपेट इन अ ग्रुप सॉन्ग. जो हिज क्लास टीचर उसको पार्टिसिपेट करने मजबूर करते हैं ग्रुप सॉन्ग में. नाउ ही हैज गेन कॉन्फिडेंस एंड आफ्टर दिस ही हैज गेन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हो गया एंड पार्टिसिपेट्स इन ड्रामेटिक ड्रामेटिक्स एंड सिंगिंग डिबेट कंपेयरिंग न्यूज रीडिंग एटसेट्रा. एंड ही ऑल्सो सिंग्स एट फैमिली एंड नेबरहुड फंक्शंस. एवरीबॉडी एंजॉयज लिसनिंग टू हिज मेलोडियस वॉइस. हिज पेरेंट्स एंड अदर चिल्ड्रेन ऑल्सो लव टू सिंग विथ हिम. तो एक बार पार्टिसिपेट कर लिया उसके बाद देखिए वो आगे बढ़ते ही गया और सारे जगह में पार्टिसिपेट करते गया और परफॉर्म वेल अच्छा करने लगा. तो व्हाट इज़ योर स्पेशल टैलेंट यू हैव टू राइट. हु इज़ द बेस्ट सिंगर इन योर फैमिली आपको यहाँ लिखना है. हु इज़ द बेस्ट कुक इन योर फैमिली ये भी लिखना है. आवर रोल मॉडल्स, तो रोल मॉडल मतलब कि हम जिसको मानते हैं जिसको फॉलो करते हैं जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं. फैमिली मेम्बर्स टेल द चिल्ड्रन अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज देयर डीड्स एंड मैसेज. तो फैमिली मेम्बर्स दैट इज़ वाई टेल द स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज कि हम लोग कुछ रोल मॉडल होना चाहिए. तो कुछ ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं फैमिली में देयर डीड्स उसका काम मैसेज क्या मैसेज प्यार करते हैं क्या बोलना चाहता है समाज को ये भी बताते हैं. इट मे बी इन फॉर्म ऑफ स्टोरी नरेशन गिफ्टिंग बुक्स टू चिल्ड्रन और विजिटिंग मोनूमेंट्स म्यूजियम एटसेट्रा. तो ये कैसे होगा फैमिली मेम्बर के लिए कि आपको बताया जाएगा कि स्टोरी पर बोल के नहीं तो गिफ्ट दिया जाएगा कोई बुक और बुक पढ़ के आप रोल मॉडल चुन सकते हो नहीं तो कहीं विजिट किया मोनूमेंट्स म्यूजियम तो वहाँ से आपको आपका आइडियल मॉडल का रूप मिलेगा. तो डू यू नो चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू स्टोरीज अबाउट ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक महाराणा प्रताप शिवाजी यशोदा रानी झांसी स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती एटसेट्रा. सो मेनी पीपल पेरेंट्स रीड आउट न्यूज आइटम्स रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ ग्रेट पीपल और टॉक अबाउट करंट अफेयर. सो दिस कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन डीपन द बॉन्ड्स अमंग फैमिली मेम्बर्स. तो फैमिली में बहुत सारे फैमिली में क्या होता है पेरेंट्स रीड आउट सम स्टोरीज रीड आउट न्यूज पेपर्स करंट अफेयर्स एंड स्टोरीज अबाउट एमिनेंट पर्सन्स पीपल्स लाइक यहाँ नाम दिया महाराणा प्रताप के बारे में स्टोरी बोलते हैं शिवाजी यशोदा रानी झांसी विवेकानंद दयानंद सरस्वती. तो ताकि बच्चे लोग उनसे कुछ इंस्पायर हो सके कुछ सीखे और कुछ करने का मन करे और उनको अपना आइडियल बनाए. So there may be some family members whom you admire for the personality, special talent, contribution to society, affection, nature, affectionate nature. The special member may be a tall uncle, cousin who paints, your father who is a runner, a grandmother who writes stories, or an aunt with long silky hair. It may be a member who makes everyone laugh with his jokes or mimicry. You want to be like them. They are your role models. So whosoever your role model may be, try to imbibe his her position qualities. तो देखो घर में ही कुछ रोल मॉडल आपका रह सकता है आपका पेरेंट्स आपका अंकल आपका आंटी आपका ग्रैंड मदर मादर. तो उन लोगों को कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को अच्छा लगता है और उन लोगों को कुछ स्पेशल टैलेंट भी रह सकता है. सो टू लुक एट द स्पेशल टैलेंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स आपको वो बनना का बनने का मन करता है. यानी यू ट्राई टू इम्बाइब यू ट्राई टू बी लाइक देम. ये देखो पिक्चर स्विमिंग पूल का. लुक एट द पिक्चर एंड सी some swimmers also may live in your family or some family member may be a good swimmer so you wish to be a swimmer.
लुकिंग एट देम, नेम वन फैमिली मेम्बर हुम यू एडमायर द मोस्ट। तो यहाँ क्वेश्चन आपके लिए कि एक फैमिली मेम्बर का नाम लिखो जो जिसको देख के आपको लगा कि उसके जैसा आपको बनना चाहिए और आप एडमायर करते हो बहुत ज़्यादा उनको। हाउ इज़ ही सी रिलेट टू यू, और वो कैसे आपका रिलेशन क्या है उसका और आपका। नेम टू क्वालिटीज दैट यू एडमायर हिम और हर फॉर, किस क्वालिटी के लिए आप उन जैसे बनना चाहते हो। ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम एंड एनर्जी इन इम्प्रूविंग योर सेल्फ, योर गुड क्वालिटीज मेक यू हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड पॉपुलर विद अदर्स। शेयर योर फीलिंग्स होप्स ड्रीम्स फियर जॉय सोरो एक्सपीरियंस विद योर पेरेंट्स टीचर्स फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स, दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इनटू ग्रेट ह्यूमन बींग। देखो ऑलवेज आपको यूटिलाइज करना है, यूटिलाइज मतलब कि उपयोग करना है टाइम को, एनर्जी को, क्या इससे क्या होगा, इम्प्रूव होगा आपका, तो आपका जो गुड क्वालिटीज़ है ना दैट मेक यू हैप्पी, आपको हैप्पी रखेगा, कॉन्फिडेंट बनाएगा, पॉपुलर वो भी अदर्स सबको पॉपुलर बना देगा आपका जो गुड क्वालिटी है। सो ऑलवेज प्रैक्टिस गुड क्वालिटी, प्रमोट गुड क्वालिटी, डू नॉट प्रमोट बैड क्वालिटीज। सो फाइंड आउट योर गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स। शेयर योर फीलिंग्स, आपका फीलिंग्स शेयर कीजिए, होप्स ड्रीम्स फियर जॉय सोर एक्सपीरियंस, जितना भी आपका इमोशंस है वो शेयर कीजिएगा आपका पेरेंट्स के साथ, टीचर के साथ, फ्रेंड के साथ एंड फैमिली मेम्बर के साथ। तो वो शेयर करने से आपका जो अच्छा चीज़ निकल कर आएगा वो बाहर निकल कर आएगा, तो वो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में, प्रोग्रेस करने में। दे विल गाइड यू टू ग्रो अप इन टू ए ग्रेट ह्यूमन बींग, तो आपको गाइड करेगा सब लोग। ओके, तो उसके बाद देखो क्वेश्चन आंसर, हियर द क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर मैं ये लिख दूंगा, इसके लिखा हुआ आपको दे देंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आंसर है। चलो टाटा।